हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा रोहू मछली का चराई बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। आज मेरा ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो ये जो रोहू मछली का चराई है ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब कम खर्चा में आपका हो जाएगा। तो इसके लिए जो सामान चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है बस इतना सही सामान चाहिए, आपको ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो चीज़ चाहिए मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों को चाहिए, इसको हम बोलते हैं कूड़ा, बंगाली में बोलते हैं कूड़ा। एक्चुअली ये क्या होता है, हम लोग जो धान है ना, जो धान हम मशीन में तोड़ने के लिए लेके जाते हैं, वो धान तोड़ने के बाद वो धान का जो छिलका रहता है, वो छिलका ये बारीक सा पेस्ट जैसा बन जाता है। तो ये हम लोगों को चाहिए, ये चाहिए हम लोगों को 200 ग्राम। और उसके साथ चाहिए ये है सरसों का खोल, ये सरसों का खोल चाहिए हम लोगों को 150 ग्राम। और इसके साथ चाहिए ये है एकांगी, ये एकांगी हम लोगों को चाहिए 25 ग्राम। और उसके साथ चाहिए मेथी दाना हम लोगों को चाहिए 50 ग्राम। उसके साथ चाहिए हम लोगों को घी, चाहिए ये हनी, शहद और शहद के बाद हम लोगों को चाहिए ये नींबू का पत्ता, ये वही नींबू का पत्ता है जो नींबू हम लोग चावल में दाल में मतलब खाने के साथ खाते हैं, वही नींबू का पत्ता है 10, इस साइज़ का 10 पत्ता देख लीजिए, मतलब एक उंगली के बराबर होता है एक एक पत्ता, तो ऐसे 10 पत्ता चाहिए। और इस पत्ते को ना थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में हल्का गर्म करके इसको सूखा लेना है ताकि इसका पाउडर बन सके। और ये जो सरसों का खोल है, ये सरसों का खोल, इसको भी हम लोग पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के उसको धीमी आंच में कढ़ाई में लाल, थोड़ा सा लाल करके इसको तल लेना है धीमी आंच में। और ये जो एकांगी है, एकांगी और आपका ये जो मेथी दाना है, इसको भी हम लोग पाउडर बना लेंगे, फिर इसको भी हल्का सा मतलब तल लेना है कढ़ाई में। और ये जो कूड़ा है, धान का कूड़ा, इसको भी कढ़ाई में हल्का लाल करके तल लेना है। तो मैं पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा। तो ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्या क्या सामान लगेगा, बस इतना सा सामान से आप लोगों का चराई बन जाएगा, रोहू मछली का चराई बनेगा। कोई माने या ना माने ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, ये बहुत ही फायदेमंद चार है और मतलब बिल्कुल बिल्कुल कम खर्च में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, मैक्सिमम 100 रुपया आपका खर्चा होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। 100 रुपये में आपका बहुत अच्छा चराई बन जाएगा, आप लोग तालाब में, नदी में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद चार है। तो चलते हैं, हम लोग इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, आते हैं सब कुछ रेडी करने के बाद। हाँ, तो मैं अभी वापस आ गया, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। ये मेरा 150 ग्राम सरसों का खोल है, ये देखिए 150 ग्राम सरसों का खोल है। ये मैंने वो जो एकांगी था, एकांगी और मेथी दाना, उसको बारीक से पाउडर बना लिया। अब इसको हल्का सा भून लेंगे। तो बस हल्का सा ही भून लेंगे, तो थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम लोग इसको तल लेंगे। ये मेथी दाना और एकांगी का खुशबू मेरा किचन में महक रहा है।
देखिए, अगर आपको मछली पकड़ना आता है तो ऐसा थोड़ा बहुत सामान यूज करने से ही आ जाएगा। और सबसे ज़रूरतमंद चीज़ जो मछली पकड़ने के लिए मतलब चाहिए होता है वह है मछली। जाकर मछली होगा, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आसानी से मछली पकड़ पाएंगे, लेकिन जहाँ पे मछली नहीं है इधर आप मछली कैसे पकड़ेंगे। मेरा और भी मेरा मतलब चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैं और भी मतलब अलग अलग किस्म का चारा बनाने का प्रोसेस दिखाया हूँ, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा आता है। तो आपको मैं नहीं बोलूँगा कि इसका रिजल्ट मतलब इसको बना के आप मुझे यूज़ करके रिजल्ट बोलना क्या क्या हुआ है इसका, क्योंकि मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, मेरा दोस्त लोग भी यूज़ कर चुका है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, मैं मेरा जो मतलब गांव है और गांव के आसपास और भी गांव में मेरे जैसे बहुत सारा बंदा है जो मछली पकड़ने में इंटरेस्ट रखता है, तो हम लोग का एक ग्रुप है, लगभग 100 के ऊपर मेम्बर है उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में हम लोगों का एक उस्ताद है, उनका नाम है लवेंदु बोरा, वो हम लोग इनको गुरुदेव बोलते हैं, सर बोलते हैं, ये उन्हीं का फॉर्मूला है। तो वो हम लोगों ने बताया था, हम लोगों को उन्होंने बताया था, तो हम लोग ऐसे यूज़ करते, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया जाए कि हर एक को पता चले। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कमता नहीं है, और ये मेरा बिजनेस नहीं है। बहुत सारा लोग चराई बना के मार्केट में उसको बेचते हैं, लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाते हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, इसके पहले मैं जॉब करता था, प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ, और ये मछली मेरा मतलब शौक से मैं मछली पकड़ता हूँ। तो चलिए ये हो गया, इसको हम लोग कढ़ाई से कर लेते हैं। इसको रख देंगे साइड में। अब इसमें हम लोग डालेंगे ये जो कूड़ा है, ये कूड़ा को इसको अगर आप छान लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहता है, लेकिन चलो ये थोड़ा सा पेस्ट मतलब अच्छा पाउडर है, क्योंकि अच्छा खासा पाउडर बन चुका है, तो इसको मैं अभी छाना नहीं, तो छलने से जो पाउडर मिलता है वो उससे मतलब और भी अच्छा होता है। और एक बात है, इसको ना लेके कहीं टिकट पे मत जाए, आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि मत जाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मछली आने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये एक्चुअली ये देखिए, ये सब तो ऐसा कोई अलग सा मसाला नहीं है कि आप यूज़ करेंगे और फटाफट रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा। ये एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मछली का एक्चुअली फूड होता है, खाना होता है ना, उस खाने के ऊपर बेस करके ये बना रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा इधर वीडियो को पॉज करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मतलब पूरा भुना जब हो जाएगा इसका जो कलर आ जाएगा लाल लाल, अभी ये कलर आप लोग देख लीजिए ये कैसा कलर है, थोड़ा सफ़ेद कलर है, ये जब लाल लाल हो जाएगा तब हम इसको उतर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ कि अगर हो जाएगा उसके बाद मैं वापस आता हूँ। अच्छा, बीच में वापस आया, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो नींबू का कच्चा पत्ता है इसको भी मुझे थोड़ा सा रोस्ट करना है, ताकि ये इसको हम पाउडर बना सके। तो अभी जो ये कूड़ा मैं भून रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ये पत्ता भी दे देता हूँ, ये भी इसके साथ थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, तो मुझे दोबारा एक साथ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही हो जाएगा। और ये पत्ता मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्योंकि बाद में इसी सब मतलब ये कूड़ा, ये जो आपका सरसों का खोल है इसके साथ ये भी जाएगा, ये पत्ता भी जाएगा। तो पत्ता का अगर मतलब सेंट इसमें आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग ऐसे चीज़ करने ही बने। तो इसके साथ ही मैं इसको भी भून लेता हूँ, मेरा एक एक, एक साथ दो काम हो जाएगा। अच्छा देखिए मेरा ये लगभग हो गया, इसका कलर थोड़ा लाल लाल हो गया है, तो इसको हम मैं अभी उतर लूँगा। देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया, पहले वाला जो था इसमें थोड़ा संतर आ गया, तो मैं इसको अभी उतर लेंगे। और ये देखिए ये जो पत्ता दिया था ना कच्चा, वो भी अभी इतना आसानी से टूट जा रहा है, तो इसको हम लोग अभी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा तो चलिए मेरा कूड़ा भी रेडी हो गया, अब ये जो सरसों का खोल है इसको अभी हम लोग तल लेंगे। देखिए अभी इसका कलर कैसा है, तो इसका इसको थोड़ा लाल लाल करके इसको भून लेंगे। तो ये सरसों का खोल भून लेते हैं, अभी थोड़ा वीडियो पॉज कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा वापस आएंगे। एक बात बोलने के लिए मैं वापस आया वीडियो में, देखिए थोड़ा सा धीरज रख के इसको तलना, अगर आप हड़बड़ी करेंगे और इसको जला देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जला हुआ चीज़ मछली नहीं खाता है। तो थोड़ा सा धीरज लेके इसको करना, टाइम देना पड़ेगा, और इसको मतलब हमेशा ऐसे हिलाते रहना जब तक फ्राई में है, जलना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल लेता हूँ जलना नहीं चाहिए, जल जाएगा तो काम नहीं करेगा ठीक से। थोड़ा टाइम देके आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो गया है, ये सरसों का खोल जब रेडी हो जाएगा ना पूरा, मतलब सरसों तेल जैसा गंध आपका पूरा किचन में फैल जाएगा, और इसका कलर देखना आपका रेड रेड हो जाएगा, देखते लग सकता है कि जल गया नहीं, लेकिन वो जला नहीं है, ऐसे ही उसको रोस्ट किया गया है। तो मेरा ये इसको रोस्ट करने दीजिए, मैं दोबारा वापस आता हूँ, मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये सरसों का खोल मतलब रेडी हो गया, मैं गैस ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, जस्ट अभी कढ़ाई गर्म है, तो उसी कढ़ाई मतलब गर्म कढ़ाई में उसको थोड़ा सा ज़्यादा तल रहा हूँ। सुनिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हिंदी मतलब सुनने के बाद आप लोग प्लीज़ हंसना मत। कलर दिखा देता हूँ, पहले कैसे कलर था, अब देखिए पूरा ब्राउन कलर है इसका, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, ये देखिए अभी कैसा कलर है। इस गमले में ले लिया सारा सामान, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। बगल में से मालगाड़ी जा रहा है तो उसका आवाज आ रहा है। तो देखिए हम लोग भूनने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें है आपका वो एकांगी मेथी दाना का पाउडर, इस
इसमें है आपका वो 150 ग्राम सरसों का खोल और इसमें 200 ग्राम कूड़ा, तो धान का कूड़ा। और ये जो नींबू का पत्ता है इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे। देखिए ये कैसे पाउडर बन रहा है। अब इसको हम लोग को ऐसे हाथ से, थोड़ा गर्म है अभी भी, इस सबको अभी ऐसे हाथ में रगड़ रगड़ के इसको मिलाना है। तो इसको मिला लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है ये तो सब बन गया, लेकिन इसमें आपका घी और शहद मतलब हानि का कुछ नहीं दिखाया, वो सब एक्चुअली इसमें अभी यूज नहीं होगा, वो लगेगा जब आप मछली पकड़ने जाएंगे तब वो हनी और शहद का काम है इसमें। तो वो कैसे वो मैं बड़ा मतलब बता दूंगा आप लोगों को कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है उसको मैं बता दूंगा। तो पहले इसको रेडी कर लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें मुझे मेरे हाथ में ये नींबू का पत्ता लग रहा है, थोड़ा इसमें साइज बड़ा है, उन लोगों को मैं एक एक करके तोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए लगभग रेडी हो गया। मैं अब आपको बता रहा हूँ मतलब बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। तो मैं वीडियो पॉज करके आते हैं। नमस्ते दोस्तों, इतने मतलब अभी तक आप मेरा ही आवाज सुन रहे थे, मैं ही ये चढ़ाई बना रहा था। तो अभी जो ये हम लोग रेडी किया, ये जो रेडी किया इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा मिट्टी, मतलब इतना ही मिट्टी लेना ताकि इसके साथ मिलाने के बाद वो उसको मतलब बॉल के बॉल जैसा शेप दे सके, मतलब बॉल जैसे बनाना है आपको इसके साथ मिट्टी मिला के। और उसके बाद क्या करना है, आपको घी और शहद मतलब मधु हनी को उस बॉल के ऊपर लगाना है, घी और बॉल में मतलब हनी में
डुबो के उस बॉल को आप पॉइंट में फेंकना, जहाँ पे आप मतलब आपका बरसी आप जहाँ पे फेंकेंगे, हुक जहाँ पे फेंकेंगे वहीं पे आपको डालना है बॉल बना के। पहले इसके साथ मिट्टी मिलाना, थोड़ा सा मिट्टी मिला के इसको बॉल जैसे शेप देना। बॉल जैसे शेप देने के बाद उसको शहद में डुबो के और घी में डुबो के उसको उधर फेंकना है। बस थोड़ा देर यूज़ करना है, मतलब वेट करना है, आधा घंटा यूज़ करना। उसके बाद आप अपना जो टोप है मतलब आपका हुक आप उधर डाल सकते हैं। और इसके साथ नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सफ़ेद टोप यूज़ करते हैं। सफ़ेद टोप मतलब रोटी, रोटी का टोप, उसमें थोड़ा सा घी लगा के उधर डालते हैं। सफ़ेद टोप इसमें बहुत अच्छा काम करता है। टोप अगर एक दिन का पुराना होगा, मतलब जो आप बेट डालेंगे ना उसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं टोप, तो जो बेट आप डालेंगे उस बेट एक दिन का पुराना होगा तो अच्छा है। पुराना होना चाहिए, बासी मतलब थोड़ा सा बासी होना चाहिए, खराब वाला नहीं, बासी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप थोड़ा सा वो हनी लगा के, हनी और आप शहद भी दे सकते हैं उस मतलब रोटी के टोप के साथ, शहद और आपका घी ये दोनों मिला के टोप में लगा के फेंकना। और इसको भी सेम घी में डुबो के और शहद लगा के उसको फेंकना है। तो बस इतना ही, आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अगर आपका मतलब काम नहीं करता है तो थोड़ा बहुत गाली दे देना, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं आएगा जब उतना ज़्यादा, जस्ट 100 रुपये के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। और अगर मछली मिलता है आपको, मतलब काम करता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बता देना। और मेरा नंबर भी है मेरा चैनल पे, तो व्हाट्सएप है उसमें, आप व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मैं कल जाऊँगा मछली पकड़ने, मेरा एक तालाब है उधर जाऊँगा, तो कल इसको उधर यूज़ करूँगा, तो आपको रिजल्ट मतलब दिखा सकता हूँ। ऐसे अभी फिलहाल तो इधर इतना अच्छा नहीं है, पूरा मतलब अभी अंधेरा होके रखा है, मतलब धूप का कोई नामो निशान नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। तो ऐसे इधर में मतलब नॉर्मली मछली नहीं टोप नहीं लेता है, खाता नहीं है। तो फिर देखते हैं कल कैसा रहता है वेदर, अगर सानी वेदर रहेगा तो अच्छा है, तो हम लोगों को माछ ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब मछली ऐसे ही मिल जाएगा। फिर भी काम कल हम लोग इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और इसके पहले भी हम लोग यूज़ किए हैं, तालाब में भी यूज़ किए, नदी में भी यूज़ किए, उसका फ़ोटो है मेरे पास, मैं वो फ़ोटो भी इस वीडियो में दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो आज तक के लिए यही इतना ही, मतलब साथ में जुड़े रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। गुड बाय।